आज के दिन एक महान भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया, और आज के दिन एक महान भारतीय सिंगर का भी जन्म हुआ था जिन्होंने अपनी आवाज से हम सभी के दिल को लुभाया, और आज के दिन भारत में कोई ऐसा आया था जिन्होंने हम सभी को दया का पाठ पढ़ाया था। 6 जनवरी को होने वाली मानव इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। फिलिप ऑफ स्वाबिया रोमानिया के राजा बने। 1322 स्टीफन उरुस थर्ड अपने सौतेले भाई स्टीफन कॉन्स्टेंटिन को युद्ध में हराकर सर्बिया के राजा बने। 1355 चार्ल्स फोर्थ ऑफ बोहिमिया इटली के राजा बने। 1444 कॉन्स्टेंटिन 11th बाइजेंटाइन के राजा बने। 1540 इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने एनी ऑफ क्लिप से ब्याह रचाया। 1781 बैटल ऑफ जर्सी लड़ी गई। 1847 सैमुअल कोल्ड को अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला यूएस की सरकार को रिवॉल्वर बेचने का। 1912 न्यू मैक्सिको यूएस का 47th स्टेट बना। 1929 किंग अलेक्जेंडर ऑफ द सर्ब्स ने अपने ही देश के संविधान को सस्पेंड कर तानाशाही शुरू कर दी, और इसी दिन मदर टेरेसा भारत के कलकत्ता शहर में आई जिन्होंने यहाँ के गरीब और बीमार लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। 1946 वियतनाम देश में पहला जनरल इलेक्शन कराया गया। 1947 पैन अमेरिकन एयरलाइंस पहली कमर्शियल एयरलाइंस बनी जो दुनिया भर में अपनी टिकट दे रही थी। 1959 भारत के महान क्रिकेटर जिन्होंने हमें हमारा पहला वर्ल्ड कप जिताया द हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1960 नेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 2511 हवा में ही बॉम्ब से उड़ा दी गई। 1967 इंडियन कंपोजर सिंगर सॉन्ग राइटर म्यूजिक प्रोड्यूसर म्यूजिशियन और फिलैंथ्रोपिस्ट द मोजार्ट ऑफ मद्रास एआर रहमान जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1989 सतवंत सिंह और कहर सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या की साजिश में दोनों को एक ही दिन मौत की सजा दे दी जाती है। 1993 लुफ्थांसा एयरलाइंस फ्लाइट 5634 क्रैश हो जाती है। 2012 26 लोग मारे गए और 63 लोग घायल हुए जब एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को ही उड़ा लिया डमास्कस के पुलिस स्टेशन में। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।